Assalamu alaikum students. Students, hope so that you all are good and I am also good here. So, same old dialogue. Today we will study in this video mein physics, federal board ke physics, hai, chapter number 7, ka topic 7.4, atmospheric pressure. Achha, ye jo topic hai, ye further aage three topics mein subdivided hai. Ek to pehle hum is video mein padhenge ki general, what is atmospheric pressure? नेक्स्ट टू वीडियोस में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू वीडियोस में कवर करेंगे मेजरिंग यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस तरह क्या किया जा सकता है उसमें कौन-कौन से डिवाइसेस यूज होती हैं एंड नंबर 13 वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे हम हाइट पर जाते रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वेरी करता है चेंज होता जाता है सो सबसे पहले ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और इसके वर्ल्ड पे हम फोकस करते हैं तो एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है कि जो है ये जो वर्ड निकला ये निकला है कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है इसका मीन है सराउंडिंग हमारी जो सराउंडिंग है उसे क्या कहते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं प्रेशर का हमने पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि और हमारी सराउंडिंग में जो हम मेन चीज़ है वो क्या है वो है एयर है सराउंडिंग में मेन चीज़ क्या है एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हो गया कि कैसे एक एयर आप पे प्रेशर लगा रही है ठीक है तो अब क्या होता है कि अब जो बच्चे स्विमिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने स्विमिंग पूल देखा होगा मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बना देता हूँ मैं तो स्विमिंग पूल कुछ ऐसे करके होता है ठीक है अगर आप उसकी हाइट देखें तो यहाँ से ऐसे ले जाते हैं इतना हाँ इतना डिस्टेंस आता है तो शुरू में क्या होती है डेप्थ कम होती है जैसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं ना आप स्विमिंग पूल के आगे ना जाओ वो आगे क्यों नहीं कहते क्योंकि डेप्थ उसकी जैसे आप आगे जाते जाते हो डेप्थ में क्या हो जाता है बढ़ती जाती है तो स्विमिंग पूल में जैसे आप यहाँ पर पहुँचोगे यहाँ पर कोई बंदा स्विमिंग कर रहा है इमेजिन कर लें आप ठीक हो गया ये मछली बना दी है बंदा जो भी है जो इस पे जो एटमॉस जो प्रेशर पड़ेगा वाटर का वो कम होगा और जो स्विमर्स उनको पता होगा कि अगर आप बिल्कुल डीप स्विमिंग करते हैं तो आप पे जो वाटर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है इवन के जो स्विमर्स उनको पता होगा उनके कान भी बंद हो जाते हैं शू शू की ना टू की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ठीक है और जब और डीप पर जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं ये बहुत डीप ओशन की बात कर रहा हूँ मैं तो इसी वजह से कुछ एनिमल्स जो कम एटमॉस्फेरिक वाटर प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं वो ऊपर रहती हैं और कुछ जो ओशंस जो बिल्कुल डीप ओशंस में रहते हैं वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं अब जो लिविंग थिंग्स है ना लेट मी चेक अच्छा जो लिविंग थिंग्स है ना वो क्या है कि अब हम वाटर में तो रहते नहीं तो हम कहाँ पर रहते हैं अर्थ पर रहते हैं तो इसी तरह जिस वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस अर्थ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो एयर प्रेशर भी आप इसे कह सकते हैं लेकिन इसका वर्ड सूटेबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल ठीक है अब एयर प्रेशर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है जो एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स है वो कितनी जोर पे हम जोर से हम पे प्रेशर लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं रहता जैसे आप हाइट पर जाते हैं जैसे कि मैम ये सी लेवल मैंने बना दिया ठीक है थोड़ा सा नीचे का ये ग्राउंड लैंड लेवल कर दिया ये सी लेवल कर दिया ये मैं माउंटेन पर लेके चला गया हूँ तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर प्रेशर कुछ और होगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और होगा अब जितना आप हाइट पे जाते जाते हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर एयर प्रेशर कम है तो वहाँ पर आपको लंग्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है लंग्स ज़्यादा सांस आपको आते हैं तो आपको सुना हम के ना ये आपको करना पड़ता है इसी वजह से जितने भी माउंटेनर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है उनके लंग्स बहुत ज़्यादा आदि होते हैं काम करने के तो इस वजह से ऊपर जाते हैं अगर कोई आम बंदा जाएगा तो उसका क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है या तो वो बेहोश हो जाएगा या उसके लंग्स बहुत यानी कि ना दर्द होना शुरू हो जाएंगे लंग्स में दर्द यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे एक रूटीन से ज़्यादा तो वो स्ट्रेस आ जाएगी उसमें तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इट वेरीज फ्रॉम हाइट जैसे आप बॉटम से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि ये वेरी करता रहता है उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बच्चा है जो बबल ब्लो कर रहा है वो नहीं होता नहीं जिसको जो एयर प्रेशर लगाते हैं हवा भरते हैं जिसको हम कहते हैं तो
वो बबल्स से निकलते हैं, वो बबल्स तब क्यों नहीं फटते तब तक? आपने नोट किया कोई बंदे के पास ट्रिक होती है वो बहुत बड़ा बबल बना लेते हैं, वो वजह क्या होती है? वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि जिसमें जो बबल्स के अंदर का एयर प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो बबल तब तक ही बड़ा होता रहेगा जब बाहर का प्रेशर अंदर के एयर प्रेशर से बड़ा हो जाए। अब सडन करेंगे वो छोटा छोटा होकर निकल जाएगा। बड़ा करने के लिए आपको बड़ा स्टेडली और प्रेशर को देख के बना लगाना पड़ेगा। और जो एयर प्रेशर है ये हर डायरेक्शन में इक्वली जाता है। इसके सबसे अच्छी एग्जांपल आप ले सकते हैं बलून की। मैं यहाँ पे मैं बलून बना देता हूँ एक में। तो यहाँ से आपने इमेजिन करें, यहाँ से आप इसको ब्लो दे रहे हैं इस जगह से, ठीक है? जब आप एयर दे रहे हैं तो एयर यहाँ पर आके यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि हर इक्वली एयर प्रेशर लगा रही है, ठीक हो गया? और जिस तरह ये लगा रही है तो बाहर से भी उसके अपोजिट लग रहा है, तभी वो स्टेबल है। और अगर ऐसा होता कि बबल सिर्फ एक दो डायरेक्शन में लगाती, फॉर एग्जांपल के तौर पे बलून, सॉरी बलून एक दो डायरेक्शन में लगाता तो उसकी शेप कुछ हो या हो जाए थी स्क्वायर जैसी हो जाती कि भाई सिर्फ नीचे लग रहा है, इधर लग रहा है, साइडों पर नहीं लग रहा। एक तो बलून की शेप पे डिपेंड करता है बच्चों, लेकिन एक ये होता है कि वो इक्वली, वो किस तरह जा रहा है कि वो एयर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर एक हम उसको बना देते हैं कोई बबल, आपने स्क्वायर शेप का बहुत कम देखो क्योंकि बड़े वो डिज़ाइन किए होते हैं कि यहाँ से भाई हमने एयर रोकना, एक जगह उसकी ब्लॉक कर देनी है, यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर देनी है, फिर वो एयर प्रेशर एक जगह पर लगता रहेगा, तब ऐसा होता है। और उनकी जो बलून्स होते हैं उनकी लाइफ भी कम होती है। तो कहने का मकसद ये कि अगर एयर प्रेशर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी शेप बलून जैसी जो शेप है ना, अगर बलून वो ऐसे नहीं होगी, वो कुछ और स्क्वायर, कुछ और ट्रायंगल शेप से निकलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बलून में डाल रहा हूँ एयर प्रेशर, एयर डाल रहा हूँ तो बलून ऐसे है। जब आप इमेजिन करें कि सिर्फ तीन डायमेंशन में लग रहा है, एक इधर लग रहा है एयर प्रेशर, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो बलून कैसे ग्रो करेगा? इधर से बढ़ जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ के और ऐसे ट्राइंगल की शेप का ले लेगा। और स्क्वेयर शेप में तब भी आएगा जब इक्वली लग रहा है वो, ठीक है? उसके बाद एक और पॉइंट जो आपने नोट करना है यहाँ पे, वो यानी कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, जो एयर प्रेशर है ना, वो जो मैक्सिमम अगर मैं अर्थ का एटमॉस्फेयर ले लूँ, जो फर्स्ट 10% है आपका एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है, ठीक है, जो 50% जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो यहीं पे होता है एयर। अब प्रेशर पे डेफिनेशन करें, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ज्यादा फोर्स इसी जगह पे लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है एयर पार्टिकल्स की, ठीक है? उसके बाद जो अगला है, नहीं 40% है, नहीं 50% है, ठीक है, अगला 49% जो है वो अगले 40% में है, और अगला जो पूरा 50% है एटमॉस्फेयर का, जो लास्ट स्टेज में आता है, उसमें सिर्फ 1% एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 180 है, ठीक है? 99 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इवन के 99 point something, उधर सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। कम एयर पार्टिकल्स हैं फिर वो कम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं फिर वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और फिर ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सो बबल एक्सपेंड वाला मैंने आपको जो एग्जांपल्स मैं आपको सारी देख के बता रहा हूँ मैं। सो एक्शन क्लियर हो गया, ये करा दिया, बलून एक्सपेंड सारा हो गया। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। बहुत ईजी सा है, किसको रेस करता हूँ, इस एयर पैस को रेस कर लेता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि जी आप एक ले लें, एक कैन ले लें या एक टिन ले लें, ठीक है? कैन या टिन, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस टिन के अंदर आप क्या करें, आप कुछ ऐसे करके, टिन होता है, ठीक हो गया? उस टिन के अंदर आप डाल दें, वाटर डाल दें और उसको फ्रेम करना शुरू कर दें आप, तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही वो वाटर फ्रेम होता है, जो वाटर वेपर्स हैं वो इधर स्ट्राइक करेंगे, इधर स्ट्राइक करेंगे, इधर स्ट्राइक करेंगे, थोड़ा सा ये फैल जाएगा, ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि उसका अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ गया। उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर लें और उसके ऊपर आप कोल्ड वाटर डाल लें, तो जैसे आप कोल्ड वाटर डालेंगे तो जो आपका टिन होगा वो स्क्वीज हो जाएगा, कुछ ऐसे तरह की ना ऐसे ऐसे शेप बन जाएगी, जैसे कि आप किसी को दबा नहीं था, टिन को दबा देते वो
टिन के कोक कैन को आप दबाते हैं, कुछ ऐसे स्क्वीज हुआ आ जाएगा। वजह क्या होती है कि जब हमने इसको फ्लेमिंग दी थी या इसको हीट एनर्जी दी थी तो ये इक्वल डायरेक्शन में एयर प्रेशर लग रहा था तो वो एक्सपेंड हो रहा था, और यानी कि उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा थे, स्टीम ज़्यादा थी। जैसे हमने उस पर कोल्ड वाटर डाला तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए, तो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। अब अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाहर वालों ने अंदर की तरफ जोर लगाया, तो इस तरह वो स्क्वीज हो गया। तो बच्चों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डन। ठीक है, एनी इशू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप मैंशन कर दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और कोई चीज़ आप और बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बता दें। और जिसके जो फर्दर है मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैं एक वीडियो में लेके जाना नहीं चाहता, काफ़ी लेंथी हो जाती है, 30 मिनट्स बच्चा मुझे नहीं लगता बच्चे, क्योंकि एक दो बच्चों ने कहा सर आप बहुत स्लो चलते हैं, आप टॉपिक लेंथी कर देते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि ना चलो टॉपिक को तो मैं वही रखूँ, लेकिन इसको जिस बच्चे को जो चाहिए टॉपिक वो वही देखे। तो इसका जो अगला सब टॉपिक है मेजरिंग इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।